तो आज आप लोगों के लिए दो न्यूज़ हैं। अब दो न्यूज़ आपके लिए गुड है या आपके लिए बैड है ये तो आप कुछ टाइम के बाद ही जान जाओगे, क्योंकि मैं आज आपके लिए रिलायंस जियो की दो ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। 1 दिसंबर से जियो IUC चार्ज, जहाँ पर अब आप 6 पैसे दे रहे थे वहाँ पर आपको 24 पैसा देना होगा। वहाँ पर 1 दिसंबर के बाद IUC चार्ज बढ़ चुका है। और दूसरी न्यूज़, 2020 से IUC चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों न्यूज़ क्या है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो और इन दो न्यूज़ की पूरी क्लियरिटी जानना चाहते हो कि आखिर क्या होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आपकी क्या राय है और आपके पास किस कंपनी का सिम कार्ड है, अब यहाँ पर आप देखना आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल सभी कंपनी घाटे में बहुत अच्छी तरीके से जा चुकी हैं। इन तीनों कंपनियों पर काफ़ी रुपयों का कर्ज हो चुका है। तो अगर आपके पास जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है तो नीचे कमेंट जरूर टाइप करना। और दोनों ही न्यूज़ क्या है, क्या आपको 6 पैसे की जगह 24 पैसे देना होगा या 2020 से IUC चार्ज खत्म हो जाएगा, तो चलिए हम ये सब जान लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाना, तक मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। YouTube पर, Facebook पर, WhatsApp पर ये मैसेज देख रहे हो कि यहाँ पर 1 दिसंबर से सभी कॉल रेट जो IUC चार्ज है वो बढ़ने वाला है। जो अभी तक जियो ने 6 पैसे लगाया था, अब जियो उसको बढ़ाकर 24 पैसा कर देगा। आप सभी ने ये न्यूज़ YouTube पर जरूर देखी होगी या WhatsApp पर या Facebook पर, लेकिन ये न्यूज़ फेक है। जियो ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि 1 दिसंबर से वो अपने IUC चार्ज बढ़ा देगा। जियो तो हाँ इस तरह सोचता है कि वो अपने ग्राहकों को कम से कम दाम पर अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सके, अच्छे से अच्छा इंटरनेट डाटा दे सके, ताकि उनके कस्टमर उनके साथ जुड़ रहे। तो ये न्यूज़ सही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 दिसंबर से आपका IUC चार्ज बढ़ने वाला, तो ऐसा नहीं होगा। और इससे पहले भी आपने काफ़ी न्यूज़ देखी थी। दूसरी जो न्यूज़ है कि 2020 से IUC चार्ज बंद हो जाएगा, ट्राई इसको बंद कर देगा। देखिए अभी कंफर्म नहीं है कि 2020 से IUC चार्ज पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, वो ट्राई के ऊपर निर्भर है कि आखिर उनका फैसला क्या आता है, वो लोग क्या करते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की न्यूज़ आप काफ़ी देखने को मिलेगी, और आप अपने फ्रेंड वगैरह को भी बताते होंगे कि यहाँ पर अब आप IUC चार्ज को 24 पैसे दोगे या ट्राई का जो इंडिया में सन 2020 से आपका IUC चार्ज बंद हो जाएगा। तो ये रियलिटी नहीं है, आपको वेट करना होगा। अभी तक इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं आया है कि ट्राई ने 2020 से अपना IUC चार्ज बंद करने को कहा हो। हाँ हो सकता है कि हो जाए, अभी कोई क्लियर नहीं है कि ये सब हो जाएगा। और वोडाफोन, आइडिया तो काफ़ी घाटे में जा चुके हैं, उन पर काफ़ी पैसा कर्ज हो चुका है, हो सकता है ये कंपनियां यहां से चली जाएं। तो ये न्यूज़ थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।